एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे बच्चों को टेबल्स कैसे हम सिखा सकते हैं, यानी पक्के तरीके से कैसे सिखाना है सो दैट वो भूले नहीं। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स स्टक हो जाते हैं टेबल्स के पास आकर। जब सिखाने की बारी आती है, बच्चे आज सीखते हैं कल भूल जाते हैं, दोबारा हम सिखाते हैं दोबारा वो मिस्टेक करते हैं। तो दिस इज़ कॉमन, बट बार बार आपको प्रैक्टिस करवाने की भी ज़रूरत होती है। सो इनिशियली जब बच्चे को टेबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे उनको सिखाना है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे बेटे की बुक है। दिस इज मेंट ओनली फॉर टेबल्स, यानी इस बुक में मैं सिर्फ टेबल्स प्रैक्टिस करवाती हूँ। करीब 7 to 8 टेबल्स उसने सीखी है। थरोली, इन सीक्वेंस, रैंडमली, हर तरीके से मैं उसका टेस्ट लेती हूँ। तो किस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, इंडेक्स मैंने यहाँ पे बना के रखा है कि हर टेबल को मुझे कैसे उसको सिखाना है, समझाना है और सिखाना है। सी, जब आप टेबल सिखा रहे हैं ना बच्चे को, 2 1s are 2 या फिर 2 2s are 4, तो ये फॉर्म कैसे हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म हो रहा है, हम क्यों इनटू 5 ये लिख रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए। तभी वो समझेंगे कि टेबल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और उनको समझने के बाद आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आसानी से वो याद रखेंगे। सी, तो इसीलिए टू स्टार्ट विथ रिपीटेड एडिशन से आपको स्टार्ट करना है। देन रिपीटेड एडिशन आप पिक्चर्स के साथ उनको समझा सकते हैं। देन कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर्म हो रहा है, फिर हम बच्चे को टेबल लर्न करवाएंगे, सीक्वेंस में भी रैंडमली दोनों तरीके से हम उनका टेस्ट लेंगे। तो प्रैक्टिस से पहले आपको क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 9 10 टेबल तक करें। बच्चे को 2 टेबल 3 टेबल जब आप समझा रहे हैं, अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो उनको बेसिक समझ में आएगा। बाद में आप डायरेक्टली टेबल्स याद करने के लिए कह सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो व्हाट इज़ रिपीटेड एडिशन? रिपीटेड एडिशन वो होता है कि जब आप किसी नंबर को रिपीटेडली ऐड करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 2+2 2+2+2, यानी एक सेट ऑफ बॉक्स है जिसमें 2 बॉल्स हैं और आपके पास यहाँ पे 2 बॉल्स है। उसी तरह से एक और सेट ऑफ बॉक्स है, फिर यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ बॉक्सेस है, यहाँ पे 4 सेट्स ऑफ बॉक्सेस है, और ईच सेट में 2 2 बॉल्स है। तो 2 2+2 2+2+2, तो ये रिपीटेड एडिशन होता है। बस आपको समझाना है कि रिपीटेड एडिशन क्या होता है। अब बारी आती है कि टेबल कैसे फॉर्म होता है। सी, हाउ रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ये सिखाना, ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है। सी, मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू कैन सी, नंबर विच इज़ रिपीटिंग इंटू नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ रिपीटिंग, यही होता है ना टेबल फॉर्मेशन। सी, यहाँ पे मैं एक ये एग्जाम्पल आपको लेके बताती हूँ। 2+2+2+2+2, इसको आप कैसे लिखोगे? नंबर विच इज रिपीटिंग, नंबर जो रिपीट हो रहा है, 2 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 5। इसीलिए हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 5, यानी 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू, जब आप ऐड करते हो तो आपको 10 मिलेगा। सो आप कहोगे 2 5s are 10। अब इसी रिपीटेड एडिशन को आप चाहे तो कुछ बीट्स लेके समझा सकते हैं। जैसे कि 2 टेबल अगर आप समझा रहे हैं, 2 2 1s are 2 2 2s are, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 2s are 2+2 2 2s are 4, देन 2 3s are, यहाँ पे हम 3 बार 2 को रिपीट करेंगे, 2+2+2 होगा, यानी 2 वाला जो सेट है वो 3 बार रिपीट होगा, 2+2+2 2 3s are, क्योंकि 3 टाइम है, सो 2 3s are 6। तो इस तरह से बीट्स के थ्रू भी आप चाहे तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इनिशियली फॉर 2 टेबल एंड 3 टेबल, फर्दर आप डायरेक्टली टेबल याद करवा सकते हैं। बट बेसिकली रिपीटेड एडिशन के थ्रू किस तरह से टेबल फॉर्म हो रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक दिन टाइम लीजिए जब आप टेबल्स बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये ज़रूर समझाइए कि टेबल किस तरह से फॉर्म होता है। अब इसके बाद बारी है मेमोरी वर्क की। जब तक टेबल बच्चा मेमोराइज नहीं करेगा वो मैथ में फास्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको टेबल सीक्वेंस के साथ साथ रैंडमली भी आनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करवानी होगी। आपके पास अगर बोर्ड है, कोई और बुक है, तो वहाँ पे लिखिए और बच्चे को कॉपी करने के लिए कहिए। जब आप टेबल सिखा रहे हैं तो बहुत पेशेंटली बहुत टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन में वो सीख ले। हाफ हाफ टेबल ईच डे, यानी कंप्लीट टेबल सीखने के लिए 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता भी बोले तो इट्स ओके।
सी मैंने भी प्रैक्टिस करवाया था यहाँ पे, डे वन का है समझाने के बाद, डे वन का ये प्रैक्टिस है था, ये डे टू, ये डे थ्री, तब जाके उसको टेबल याद होती। टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था इन सीक्वेंस एंड इन और रैंडम फैशन ऑल्सो। तो सिखाते वक्त भी क्या है ना, मैंने उसको पढ़ के सुनाया था, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। मैं अक्सर कुछ रिदम देती हूँ सो दैट वो आसानी से याद कर पाए। मैं उसको पढ़ाती हूँ 3 से 4 बार, देन उसको याद करने के लिए कहती हूँ। तो आप भी इस तरह से करिए, बच्चे को पहले पढ़ाइए 2 1s are 2, 2 2s are 4, रिपीट करने के लिए कहिए आवाज़ से, सो दैट मेमोरी में उसको थोड़ा बहुत याद हो जाए। फिर लिखने की प्रैक्टिस करवाइए, 2 टेबल। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स भी दोबारा रिवाइज किए हैं। वो स्किप काउंटिंग सीखते हैं ना यूकेजी में, 2 टेबल की, सॉरी 2 स्किप काउंटिंग, 3 स्किप काउंटिंग, 5 स्किप काउंटिंग, वो भी दोबारा रिवाइज करिए, वो भी याद करवाइए, 2 4 6 8। बताइए कि ये सारी जो स्किप काउंटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो 2 टेबल में आते हैं, तो अगर वो स्किप काउंटिंग भी याद रखे तो भी बहुत अच्छा है, उनको टेबल की प्रोडक्ट्स याद रहेंगी। और साथ ही जब रैंडम फैशन में उनका टेस्ट लोगे आप, 2 into 9, 2 times 9, सॉरी 2 9s are अगर आपका होगे, तो वो सोच सकते हैं कि 18 आएगा, यानी 2 4 6 8 10, इस तरह से वो प्रोडक्ट्स याद रखेंगे और उनको ये याद रहेगा कि इट्स 18 हियर। तो प्रोडक्ट्स भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाइए, ये भी एक अच्छा तरीका होता है बच्चे को टेबल्स याद दिलाने में। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 टेबल मैंने 3 स्टार्ट किया था इन द सेम ऑर्डर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, व्हाट इज रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन यूजिंग पिक्चर्स, हाउ टेबल इज फॉर्म्ड, यानी रिपीटेड एडिशन से कैसे टेबल फॉर्म होता है, देन टेबल का इंट्रोडक्शन, टेबल सीक्वेंस में याद दिलाना है, प्रैक्टिस करवाना है, देन टेस्ट लेना है। तो यहाँ पर भी रिपीटेड एडिशन, देन रिपीटेड एडिशन थ्रू पिक्चर्स, यानी हमें मैंने डॉट्स यूज किया है, 3 डॉट्स 3 डॉट्स प्लस 3 डॉट्स, 3 3 3 3 3 3 3 3, किस तरह से ऐड आपको करना है, और ऐड करने के बाद आप टेबल की फॉर्म में किस तरह से इसको लिख सकते हो। सी 3 प्लस 3 प्लस 3 इज नथिंग बट नंबर विच इज रिपीटिंग इन टू नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इज नथिंग बट 3 3s are, और जब आप ऐड करोगे तो आपको 9 आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करवाया अगेन हाफ टेबल, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने दोबारा प्रोडक्ट्स भी याद करवाई स्किप काउंटिंग के थ्रू, उसको स्किप काउंटिंग याद थी 2 3 की, तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कहा, 3 6 9 12 15। प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तरह से थरोली 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ओरली भी बोलने के लिए कहिए, टेस्ट भी कंडक्ट करिए इन सीक्वेंस एंड बोथ इन रैंडम फैशन ऑल्सो। मेरे पास क्या है ना, बोर्ड होता है, तो कभी कभी बुक में नहीं तो मैं बोर्ड पे उसको लिख के देती हूँ रैंडमली, और वो वहाँ लिखता है, वहाँ पे उसको आंसर लिखना होता है, वहीं मैं करेक्शन करती हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ बोर्ड भी मैं उसकी एग्जाम लेती हूँ। तो यहाँ पे 4 टेबल अगेन, 3 के बाद 4 टेबल, तो सेम तरीके से जैसे मैंने आपको इंडेक्स में बताया था वही चीज़ें मैंने फॉलो की है टेबल याद करवाने के लिए। सी 5 टेबल, ये तो बहुत आसान होता है ना 5 टेबल याद करना, 5 10 15। सी इन सीक्वेंस याद हो जाता है, रैंडम फैशन में जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हो तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, वो भूल जाते हैं और दोबारा शुरू से काउंट करते आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको बच्चों को अगर प्रोडक्ट्स याद है तो वो आसानी से याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको टेबल्स याद करवानी है, इस इंडेक्स को आप जरूर याद रखिए। हर टेबल को पढ़ाने के लिए 4 से 5 दिन टाइम ज़रूर लीजिए, रिपीटेड एडिशन समझाइए पिक्चर्स के थ्रू, बीट्स के थ्रू प्रैक्टिकली समझाइए, और देखिए कि कैसे, बताइए कि कैसे टेबल फॉर्म हो रहा है, देन उनको याद करने के लिए कहिए। बेसिक समझाना एक तरफ है और याद रखना, टेबल याद करवाना एक तरफ है, तो याद ज़रूर करवाइए अच्छे से थरोली। अगर वो डर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करिए कि इट्स ओके, डराने की बात नहीं है यहाँ पर, आप प्लीज़ उनको डराइए मत टेबल्स के नाम पे कि याद करना है याद करना है याद करना है, इफ़ दे आर स्लो दैट्स ओके। और अक्सर बच्चे याद करने के बाद भूल भी जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके, आपको बस रिपीट करना होता है, रिपीटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। बड़े बड़े बच्चे भी टेबल्स भूलते हैं, फिर हमारे बच्चे यानी मेरा बेटा तो क्लास 1 में है, मैं उसको रिवाइज करवाती रहती हूँ। तो टेबल्स इस तरह से आप ज़रूर उनको पढ़ाइए, ये मेथड फॉलो करिए और आपको अच्छे से रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो
सो ये था आज का वीडियो अबाउट हाउ टू टीच टेबल्स टू किड्स हु आर इन क्लास 1 क्लास 2। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from splendid moms. Give us a thumbs up if you like the video. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.